तो आज आपको टिप्स दूंगा एंड बिलीव यू मी आई एम श्योर थैंक्स टू माइटी अल्लाह कि आप जो वकेबरी की टिप्स लेंगे आज आपकी मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ वैकैबरी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और आपको यह पता लग जाएगा कि वकैबरी को डील कैसे करते हैं लेकर कैसे चलना है वकेबलरी को तो आइए इस चीज को देखते हैं फोर पॉइंट्स हैं जी आज लेकिन ये फोर बड़े मेजर और बिग पॉइंट्स हैं

जिनकी मदद देखो हर काम का अगर टेक्निक से किया जाए तो वो ज्यादा इजीली हो जाता है तो वोकैबुलरी की भी टेक्निक्स है जी और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे थोड़े से अ लेट अस स्टार्ट जी जी वोकैबुलरी वोकैबुलरी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है मींस लिस्ट ऑफ और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस ये एक लिस्ट या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस होती है जी वोकैबुलरी देखो ईडियम भी तो वोकैबुलरी है ना वो एक फ्रेज होती है ईडियम आप uh, कह रहे होते हैं अलादीन लैम्प ठीक है जी आप कह रहे होते हैं एप्पल uh, ऑफ मेरी आंखों का तारा तो वो फ्रेजेज है ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेजिज होती है जी आपको उनकी मीनिंग आने चाहिए तो वैकेबलरी मीन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेसरी किसी भी लैंग्वेज की वैकैबलरी असल में उस लैंग्वेज uh, uh, के वर्ड्स होते हैं जिस पर वो पूरी लैंग्वेज कंपराइज करती है नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास वोकैबरी के देखते हैं जी अ वर्ड इज दस्ट मीनिंगफुल यूनिट यूनिटी आज हमने वर्ड के साथ डील करना है तो वर्ड को ग्रामर में डिफाइंड कैसे करते हैं छोटा तो है जैसे एबल एबल का मजीद तोड़ नहीं सकते तोड़ेंगे तो अल्फाबेट बन जाएंगे मीनिंग खत्म हो जाएंगे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट सबसे छोटा यूनिट जो मीनिंग दे रहा है वो वर्ड है जी ग्रेट लव स्मॉल आप इनको मजीद ब्रेक नहीं कर सकते Uh, अगर करते हैं तो आप इनके मीनिंग लूज uh, करते हैं तो ये वर्ड्स uh, होते हैं जी और एक वर्ड एक स्ट्रक्चर uh, होता है अच्छा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दो मॉर्फिम से बने होते हैं जैसे लव्ड तो लव और ईडी साथ मिलकर एक दो मॉर्फिम्स मिली तो वो हमारा एक वर्ड बना जिसमें लव जो है वो फ्री मॉर्फिम है और ईडी हमारी बाउंड मारफीम है मतलब लव तो इंडिपेंडेंटली भी स्टैंड कर सकता है कहते हैं जो तो वो मॉरफीम्स और वर्ड सारा कुछ इसको जानेंगे मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बिल्ड करूंगा उसकी रीजन जिसकी बेसिक स्ट्रांग होती है याद रखिएगा वही आगे कामयाब होता है बहुत सारे बच्चे अपनी बेसिक से लूज होते हैं और वो ग्रामर का पोर्शन अपना कंपोजिशन वाला सॉल्व नहीं कर पा रहे होते तो आपको प्योर बेसिक्स पे बिल्ड करूंगा ताकि आपको अपना जो कॉम्पोजिशन वाला पेपर है वो का का है का है या कोई भी आप पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे दे रहे रहे हैं हैं कोई भी दे रहे, आप उसमें इजीली पास हो सके और अपने इंग्लिश का पोर्शन मेजर होता है ज्यादा मार्क्स होते हैं वो ले सके अच्छा एक वर्ड जो है वो एक से ज्यादा मीनिंग सकता है अक्सर वर्ड्स की मीनिंग ज्यादा होती है वर्ड ले, ले आपके सामने स्क्रीन पर कॉम्पोजिशन वर्ड नजर आ रहा है Uh, मैं पॉइंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ एक पेन ले लेता हूँ ताकि मुझे आपको कुछ चीजों को दिखाना आसान रहे मैं वर्ड कंपोजिशन ले लिया तो कंपोजिशन अ मिक्सचर ऑफ इंग्रीडियंट चीजों का मिक्सचर कंपोजिशन है जी कंपोज होके बनी है कंपोजिशन का मतलब एक म्यूजिकल क्रिएशन uh, भी होता है कोई भी म्यूजिकल क्रिएशन भी एक कंपोजिशन है जी बेसिकली आप अगर देखें तो एक सॉन्ग एक म्यूजिकल कंपोजिशन है वो भी और कंपोजिशन एक ऐसे या एक बुक या कोई पीस ऑफ राइटिंग को भी कह सकते हैं देखो एक वर्ड कितने डिफरेंट मीनिंग्स रखे बैठा है हमें ये सीखना है कि वर्ड्स के डिफरेंट शेड्स होते हैं डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं इवन आपको मजद्ता हूँ वर्ड्स के ऊपर चार्ज भी होते हैं भी 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 सीखेंगे आज वर्ड्स के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज 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 हो हो सकते है, हो सकते हैं हैं नेगेटिव नेगेटिव और पहचानना कैसे ये भी सीखेंगे ये आज के लेक्चर का हिस्सा है बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर मैंने बोला आपको और अक्सर आपको जब सिनोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस टेस्ट में कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके सी एस एस पी एम एस में भी uh, क्वेश्चन आते हैं और आप इवन गैट का पेपर नेट का पेपर या फिर अपना कोई भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर देने जाते हैं आगे के पेपर आ रहे हैं तो लेक्चरशिप के पेपर में भी वो इंग्लिश की लेक्चरशिप हो या आपकी केमिस्ट्री हो तो उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है आपको उसमें आते हैं भी लफज की शक्ल देखकर हम बताएंगे कि ये लफज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है सीखेंगे और नीचे ऑप्शन में से खेलेंगे फिर कि नेगेटिव सिनोनिम लेना है तो नीचे से जो नेगेटिव है वही और सिनोनिम हो सकता है पॉजिटिव वाले तो रूल आउट कर देंगे तो गौर कर मीनिंग नहीं भी प्रॉपरली आते हैं हम रूल आउट कर सकेंगे कि ये ऑप्शन नहीं हो सकती

ऑफ अथॉरिटी है ये ये कनोटेटिव मीनिंग मीनिंग है उसका नहीं है उसका नहीं ठीक हो गया स्टूडेंट्स मेरी बात समझ आ रही है जी ओके okay, स्टूडेंट्स uh, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वकेबलरी पे तो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कंपेटेटिव एग्जाम्स के सारे एग्जाम्स जितने भी सी एस एस है पी एम एस उन सबका ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आप किसी में भी देखें कि इंग्लिश ऐसे का पेपर है सारे उनमें आपको ये लाजमी तौर पर नज़र आती है ये वकैब आपको हर जगह मिलती है देन अकर्स इन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनमें मौजूद होती है वो एम डी कट है ई कैट है ई टी ए जो भी है जो भी जॉब एग्जाम्स हैं वो कस्टम्स के आ रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से जिस तरह का भी आ रहा है टेस्ट आ रहा है इवन एन टी एस हो रहा है आपने देखा कि उसमें इंग्लिश का एक बड़ा अहम पोर्शन होता है और अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दूसरे सब्जेक्ट्स के अकाउंटिंग के उनको भी इंग्लिश का पोर्शन ही सॉल्व नहीं हो रहा होता और दैट इज़ अक्सर उसमें हमें नज़र आता है कि वो फेल हो जाते हैं अपना टेस्ट ही क्लियर नहीं कर पाते इंटरव्यू की स्टेज बहुत दूर उनसे जो है वो रह जाती है तो ये जो कोर्स है हमारा उनके लिए भी और नेक्स्ट आते हैं असेंशल फॉर रिटर्न एंड और ओरल कम्युनिकेशन आज ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है आपको रिटर्न और ओरल और कम्युनिकेट करना पड़ता है ऑल द वर्ल्ड और अगर आपकी है कम्युनिकेशन स्किल्स विकैबरी अच्छी नहीं है तो कभी नहीं कर पाएंगे और देन लो विकैबरी लो रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स क्या अगर आपकी विकैबरी लो है तो आप रीडिंग भी नहीं कर पाएंगे आप लिखते हुए जो चीज़ लिखी हुई है उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे आप मूवीज़ देखते हैं आप लफ्ज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पा रहे होते रीज़न कि आपकी विकैबरी अच्छी नहीं है रीडिंग कैसे करें लिसनिंग कैसे करें तो दूसरों को बात को समझे कैसे नेक्स्ट आते हैं जी हम मॉर्फोलॉजी uh, पे अपनी स्ट्रेटजीज पे आ रहे हैं जी तो स्ट्रेटजीज ये आपके सामने नाइन uh, स्ट्रेटजीज हैं इनमें सबसे अहम सबसे ऊपर मॉर्फोलॉजी uh, है मॉर्फ बेसिकली शक्ल है जी तो लफ्ज़ों की शक्ल उनकी मॉर्फ से uh, उनको पहचानना उनके मीनिंग निकालना उनकी पॉजिटिव नेगेटिविटी निकालना उनका पार्ट ऑफ स्पीच निकालना तो आइए लफ्ज़ों की मॉर्फोलॉजी को हम स्टडी करते हैं जी तो बच्चा पार्टी मॉर्फोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ वर्ड्स है हाउ दे आर कि ये बनते कैसे रिलेशनशिप क्या होता है वर्ड्स में एक ही लैंग्वेज के अंदर उनकी स्ट्रक्चर क्या है वर्ड्स की तो हम लफ्जों की स्ट्रक्चर से उनका मीनिंग निकालना सीखेंगे मतलब एक वर्ड आपके सामने आ गया है आपको मीनिंग नहीं आता तो आप कैसे उसका मीनिंग किसी ना किसी तरीके से डी कर पाएंगे कितना बड़ा आर्ट है ना कि आप पेपर देने बैठे हैं एन टी एस का देने बैठे हैं सी एस एस का देने बैठे पी एम एस का देने बैठे हैं आपको सिरणी में आ गया एंटोनी में आ गया एंटोनी मतलब जो उल्ट होता है ज्यादा होता है लेकिन आपको मीनिंग नहीं आता तो आप उस लफ्ज़ को कैसे तोड़ेंगे कैसे इसका मीनिंग निकालेंगे ये सीख रहे होंगे आपके सामने अनड्रिंकेबल तो देखो इसकी इसके प्रीफिक्स रूट और बनाएंगे प्रीफिक्स की होती है सबका जिसको उर्दू में आप सबका कहते हैं प्रीफिक्स जो लफ्ज़ से पहले आती है ये अक्सर लफ्जों का पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन बताती है कि लफ्ज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है जैसे अन और मैल जो है ये नेगेटिव बता रहे होते हैं फिर आपको दूसरे एंड पर सफिक्स नजर आ रहा है एबल और एशन तो ये सफिक्स जो होती हैं हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताते हैं मैं एक बात कह रहा होता हूँ कि भाई सफिक्सिस से आपको ये पता लगता है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच के लफ्जों के पाव होते हैं ये सफिक्स पाव हैं ठीक है जी लाहका है ये बताएगा पार्ट ऑफ स्पीच का जैसे एबल है तो एबल जिस वर्ड के एंड पर आ गया वो एडजेक्टिव है एशन आ गया जिस के एंड पर वो यूजुअली नाउन नाउनी होती है जैसे क्रिएशन ठीक है जी जैसे सोलूशन नेशन तो वो नाउन्स हैं तो एबल वाले वर जितने वर्ड आप ले लें ट्रस्टेबल डिपेंडेबल वो सारे आपको एडजेक्टिव मिलेंगे तो देखिए तीन चीज़ों से दरमियान में रूट है जो मेन वर्ड है अनड्रिंकेबल जो पीने के काबिल नहीं है तो मेल फार्मेशन वो फार्मेशन जो कि ठीक नहीं है आपके सामने आ गया अब नेक्स्ट वर्ड आता है जी बेनेडिक्शन इसको तोड़ें जरा थोड़ा मारे मिला और, लेद और चीज बताएं बैने जैसा लफ्ज क्या सोचा आपने आपने क्या, सुना तक? तो क्या मिला बेनिफिट देने वाले वर्ड्स डिक्शन वर्ड होते हैं ना तो बेनिफिट देने वाले वर्ड्स तो देखो लफ्ज़ का मीनिंग निकाले अब इन कार्नेट पे आते हैं इन कारनेट को अब हमने तोड़ना है जी जैसे हमने बेने डिक्शन को तोड़ा बेने और डिक्शन निकला एन बेनिफिट से देखो आपको याद आ जाएगा बैन बेनिफिट से और डिक्शन डिक्शनरी से तो अब आपको पता है कि कोई ना कोई लफ्ज का एक्जैक्ट मीनिंग नहीं पता लगा इतना पता लग गया कि मीनिंग क्या होगा आप कम कम श्रेडिम के साथ खेल तो सकेंगे इन कारनेट को तोड़ते हैं इनके ना सैलेबल से तोड़ा करें सेलेबल होता है जो वर्ड का एक पल्स होती है इन कार्नेट इन कारनेट तो तीन लफ्ज इन इनदा आ गया कार्न कार आ गया और एट आपका बेसिकली जो है वो लहदा आ रहा होगा आपने यही तो आर्ट सीखना है कि लफ्ज के सर पर थोड़ा मार के उसको तोड़ना कैसे ठीक है उसको उसके अंदर से निकालना कैसे है चले आप में से आ, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इन कार्डनेट का मीनिंग क्या निकालेंगे क्या आप इसका मीनिंग बना पाएंगे जी स्टूडेंट्स गिव मी एन आंसर अबाउट इट सर इनका नेट सर थ्री मारफीम से बना हुआ है सर इन सर अगर इसको हम डिवाइड करें मारफिन में सर तो इन एक मारफीम का दूसरा मारफीन और सर एक तीसरा मारफिन हो गया यस यस सर यस yes, आपने बिल्कुल ठीक जरूर देखो इन कार्नेट तो कार्न होता है फ्लैश जैसे कार्निवरस आपने पढ़ा हुआ है कार्निवरस गोश्तखोर जानवर को कहते हैं तो इन कार्नेट एट वर्ब होता है मतलब जिसमें आप गोश्त लगा रहे हैं कार्नेट कर रहे हैं तो हमें एक मीनिंग पता लग गया हमें एक चीज पता लग गई कोई ना कोई गोश्त लगाने का अमल है तो इन कार्नेट होता है किसी नॉन लिविंग को लिविंग बनाना जैसे आप क्या नाम लेते हैं कोई चीज़ है परसोनीफाई कर रहे हैं उसको पर्सन बना रहे हैं नॉन लिविंग को लिविंग क्वालिटीज दे रहे हैं गोश्त पोस्त का बना रहे हैं तो मुजसम बना रहे हैं इनकारनेट कर रहे हैं जैसे ब्यूटीज़ uh, ग्लांस कह रहे हैं नो टाइम टू वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस कि खूबसूरती के, के पाँव देखने का वक्त नहीं है कि वो कैसे डांस कर रहे खूबसूरती के पाँव तो नहीं होते अपने पाँव लगा दिए खूबसूरती के चूँकि अपने पाँव लगा दिए खूबसूरती इनकारनेट हो गई उसको अपने गोश्त गोश्त लगा दिया है अब खूर खूबसूरती जो है वो लिविंग बीग बन गई है टांगें आ गई हैं उसकी वो डांस कर रही है आपके इर्गिर्द तो इनकारनेट बेसिकली किसी को परसोनीफाई करना पर्सन की क्वालिटी देना तो देखिए आपको लफ्ज़ का मीनिंग नहीं आता था आपने थोड़ा मारा उसको मैं मजाक में कह रहा था थोड़ा मारा उसको तोड़ दिया उसको और उसके अंदर से फिर सोचा कि ये लफ्ज़ कहाँ इस जैसा वर्ड पड़ा हुआ है कारण कहाँ पड़ा हुआ है जैसे बैने डिक्शन में सोचा बैने कहाँ पड़ा हुआ है मैंने बेनिफिशियल में पढ़ा है मैंने बेनिफिट में पढ़ा है डिक्शन कहाँ पढ़ा है डिक्शनरी में पढ़ा है तो यहाँ भी आपने ये सोचना है लेकिन जो सफिक्स है वो नहीं सोचनी सफिक्स सिर्फ ये सोचना है ये पार्ट ऑफ स्पीच के है जैसे एट आ गया ना अफेक्शन एट अलोकेट uh, असोसीट तो आप देखें ज़्यादातर वर्ब्स बन रहे होते हैं इसके साथ तो आप इन कार्डनेट के जो मीनिंग है उस तक ईजीली रीच कर पा रहे होंगे और कम अज़ कम सब इसके साथ खेल पा रहे होंगे तो आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी अच्छा अब आपको ये रूट prefixes और सफिक्स सिखाते हैं मैं इनमें से कुछ डिस्कस करूंगा जी रीज़न uh, उसकी के, uh, बाकी आप लोगों को नोट्स मिलेंगे आप इसको देखिएगा जो मुश्किल हो पूछिएगा कि रूट प्रिफिक्सिस और सफिक्सिस जो हैं आपकी ये बेसिकली आप इनसे मीनिंग निकाल पाते हैं देखिए जैसे ए और एन के बाद आपको नज़र आ रही है छोटी सी हाइफन लगी हुई आ रही है ना तो इसका मतलब ये लफ्ज़ के शुरू में आएगा ठीक है जी और जो आपको आ, एब और एब्स के लगा नज़र आ रहा है इसके साथ कुछ नहीं इसका मतलब ये रूट है ठीक हो गया जी और जिस वर्ड के एंड शुरू में आपको हाइफन नजर आ रहा है जैसे थर्ड वाले एबल और इबल के शुरू में आपको हाइफन नजर आ रहा है इसका मतलब कि वो लफ्ज का सफिक्स है वो एंड पर आएगा अच्छा तो ए और एन देखे उसका मीनिंग है नॉट या विदाउट अब जब किसी लफ्ज़ के शुरू में प्रीफिक्स के तौर पर देखो उसके हाइफन का तो शुरू में आ रहा है तो ये नेगेटिव मीनिंग देगा ए पोलिटिकल मतलब जो सियासी नहीं है ठीक है का वर्ड पढ़ा हुआ आपने ए मॉर्फ होती है शक्ल जिसकी कोई मॉर्फ नहीं है जिसकी कोई शक्ल नहीं है विदाउट मॉर्फ है एब और एब्स

जो बिल्कुल शार्प एग्जैक्ट है नेक्स्ट आते हैं तो आपको नजर आ रहा है ए ए आर आर ओ तो ये बेसिकली हवा के लिए होता है जब भी ये वर्ड आए एरियल एरोसोल एग्री या एग्रो आ जाए तो जमीन के रिलेटेड एग्रीकल्चर के रिलेटेड एल्ब या एल्बो आ जाए ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे जी इन पर फिर डिस्कशन होगी वाइट का मीनिंग होता है जिसमें कलर ना हो तो जैसे एल्बिनो एल मतलब जो प्योर व्हाइट होते हैं ए एल आई और ए डब्ल एल ओ आ जाए तो अदर का मीनिंग होता है इंग्लिश में अगर किसी वर्ड के में आते हैं तो एलियस आपको पता है आ, मतलब दूसरा नाम अदर नेम मौलवी बरकात एलियस अबुल, मतलब उसका अबुल पड़ा हुआ था। एलियन, जो अजनबी है आपके लिए दूसरा है कोई यहाँ का नहीं है अलॉय मतलब उसी अः चीज की कोई दूसरी शक्ल होती है केमिस्ट्री वालों को अलॉय का पता होता है वो कोई दूसरी शक्ल होती है आर्ट आर्ट बुलंदी वगैरह के लिए डीप वगैरह के लिए जो ऊपर बहुत है या नीचे बहुत है ऑल्टीच्यूड आपको पता है बुलंदी है ऑल्टीमीटर होता है एम एमी एमर ये मोहब्बत की मीनिंग है इसमें एमी आ गया ना वो अम्मी से याद रखें निमोनिक किसको कहते हैं निमोनिक का आरबी सिखाऊंगा एमी मोहब्बत है लव लाइक लाइकिंग जब आ जाए एमरस मोहब्बत वाला एमी एबल जो शफीक है एमिकेबल काबिल मोहब्बत है एन एमर्ड जिसके लिए बड़ा मोहब्बत पैदा हो गई हो नेक्स्ट एमबी एमबी दो के लिए आता है देखो ये लफ्जों जब किसी वर्ड में एम्बी आ जाए तो सब लोग बोथ एम्बीट जो दोनों हाथों से बड़ा महारत से काम कर सके एम्बुल आ जाए तो वॉक के लिए जैसे एम्बुलेंस है जैसे एम्बुलेटरी उस पेशेंट को कहते हैं जो अब इलाज के बाद वॉक कर पा रहा हो जो इलाज के बाद चलने फिरने के काबिल हो गया स्पेशली सर्जरी के बाद एम्बल चहल कदमी करना है तो गौर करें ए एन अगर सफिक्स के तौर पर है देखो इसके पहले हाइफन लगी हुई है तो ये कोई ना कोई पर्सन होता है जी ये नाउन देखो मैंने कहा था नाउन बन गया कि जो प्री होती हैं ये पार्ट ऑफ स्पीच का पता देती हैं आर्टिजन एक बंदा है कारीगर होते हैं ना गार्डियन एक बंदा है हिस्टोरियन एक बंदा है तो ए एन किसी वर्ड के एंड पर पर्सन का मीनिंग देता है कि ये कोई पर्सन है एनिम एनिम लाइफ है माइंड है स्पिरिट है जैसे एनिमल होता है एनिमेट एनिमेट होता है जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा जोशो जज्बा हो एनिमोसिटी आपके अंदर जो किसी के लिए दुश्मनी है कोई बहुत ज्यादा गलत किस्म के जज्बात हैं क्स्ट एन ए डबल एन ए डब्ल एन यू डब्ल एन आई मीनिंग देते हैं एनुअल एन एनुएटी एनिवर्सरी देखो एनिवर्सरी में भी वही है ए डबल एन नजर आ रहा है प्रीनियल इसमें भी आपको e मिल रहे हैं, तो गौर करें साउंड भी कहीं बार कई कही बार इन प्रीफिक्सिस का पता देती होती है कि प्रीनियल इनियल e का मीनिंग साउंड दे रहा है प्रीनियल उन जड़ी बूटियों को या दरख्तों को कहते हैं जो सदाबहार होती है

इंग्लिश एक प्रोफेसर आज उसको इंग्लिश की पूरी डिक्शनरी आती है तो ऐसा नहीं है नहीं हो सकता कि आप इतनी बड़ी डिक्शनरी याद करें यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ एंड और यही लैंग्वेज uh, को इम्प्रूव करने का आर्ट है स्पेशली जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन वाले हैं आप एस एल ए वाले हैं जी आप सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कर रहे हैं इसको बल्कि कई लोग जिनकी दो दो जुबानें तीन तीन लैंग्वेजेस हैं उनके लिए थर्ड या फोर्थ लैंग्वेज है असल में आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है

हकीकत से दूर नजर आता है आर आर्स जो होता है जी चीफ आर्च एंजल जो सबसे बड़ा फरिश्ता है आर्किटेक्ट जो आ, क्या नाम लेते हैं किसी भी चीज को बनाने वाला है ठीक है जी नेक्स्ट आते हैं एस्टर ए एस टी आर ए एस टी आर स्टार के लिए होता है जब ये आ जाए तो उस लीनिंग कहीं ना कहीं स्टार है देखो आपने एक बार याद कर लिया ना ये तो कोई भी लफज आएगा ना ये एक बार थोड़े से याद करने पड़ेंगे कोई भी लफज आएगा जिसमें ए एस टी आर या ए एस टी आर होगा कि लाजमी तौर पर आपको जो है आ, वो इसको किसी ना किसी तरीके से चलना है ठीक हो गया जी तो वो स्टार वगैरह का मीनिंग दे रहा होगा देन ऑक या ऑग या ऑट आ जाते हैं तो ये ओरिजिनेट करने की मीनिंग देते हैं इंक्रीज करने की मीनिंग दे रहे होते हैं किसी चीज को ऑट ऑडी ऑर ऑस ये हेयर या लिसन करने की मीनिंग देते हैं देखो ऑडिबल वगैरह तो मैं एक बार आपको इतने सारे ये बहुत ज्यादा है आपको भी मैं नोट्स भेजूंगा देन इसके ऊपर ना एक छोटी सी वीडियो भी जाएगा प्योर रिकॉर्डेड फॉर्म में ताकि आपको जिस बच्चे को पढ़ने में मुश्किल आए तो वो लेक्चर से साथ साथ देख सके ये जो लेक्चर है ये बेसिकली आपके डिस्कशन लेक्चर है जिसमें आपको हेल्प की जाएगी रिकॉर्डेड लेक्चर आपकी बैकअप back बैकबोन होंगे ताकि एक बच्चा जिसको नोट से समझ नहीं आ रही देखो मैं नोट्स डिस्कस कर रहा हूं और आपको बता रहा हूँ करना है पूरी पूरी बुक तो कोई टीचर नहीं ना पढ़ा पाएगा लेकिन फिर भी जहां मुझे कोई मुश्किल चीजें लगेंगी जैसे इसका मुझे लगता है कि बच्चों को मजीद बताना चाहिए तो मैं ये सारी को एक एक बार डिस्कस एक वीडियो में कर दूंगा तो मैंने आपको एक बार तरीका सिखा दिया आपने करना कैसे दरम्यान में थोड़ा थोड़ा दिखा दो डिक और डिक्ट आ गया ना तो डिक्शनरी का मीनिंग है आपको ये डिक्ट नजर आ रहा है दरमियान में लिखा हुआ तो ये डिक्शनरी का मीनिंग दे रहा होता है गौर करें कार ना आ गया देखो फ्लैश का गोश्त का मीनिंग दे रहा है तो सारी मैंने यहाँ तकरीबन तो एड कर दी है तो ये अल्फाबेटिकली सारी लिखी हुई है आपने इनको लेकर आगे बढ़ना है इनको तैयार करना है ठीक है जी मॉर्फ देखो शक्ल है मिस रॉन्ग या बैड का मीनिंग दे रहा होता है अगर आप गौर करें तो ये सारी आपने देखनी है जी और भी ये लेक्चर वन है जी वकेबली का ये लेक्चर वन है लेक्चर टू जो है वो बाद में आएगा अभी कल का जो लेक्चर है उसके मैंने थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज की है जो आपको सिलेबस दिया था उसमें मैंने थोड़ी सी चेंज ये की है कि आप लोगों का कल का जो लेक्चर होगा वो कॉमन मिस्टेक्स पर होगा जो आप लोग आम राइटिंग में करते हैं और आपको बताऊंगा आप खुद परेशान होंगे और मेरे पास जो सी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके जो मैंने रजिस्टर्स हैं उनके स्कैन पेजेस आपको दिखाऊंगा कि जब वो शुरू में बच्चे आ रहे थे तो वो कैसी मिस्टेक्स कर रहे थे और वो हाईलाइटेड आपको नजर आएंगी कि मैंने उनमें फिर उनको क्या टिप्स दिए क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए और साथ साथ ये लेक्चर देता रहा जो आप ले रहे हैं मेरे पास वैसे घर में भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स लाइव भी मैंने शुरू किया और सेम चीजें होंगी जी आपका भी वैसे टेस्ट होगा आप भी अपना टेस्ट राइट करके मुझे सेंड कर दिया करेंगे और वो गूगल क्लासरूम में होगा वो रजिस्टर्ड को फैसिलिटी होगी तार मैं सबके चेक कर पाऊंगा इतना नहीं है कि मुझे पचास साठ बच्चे टेस्ट भेज भी दे। मैं सबके चेक कर सकूं मैं उतना के कर पाऊंगा जितनों के स्टूडेंट्स को मैं अपने इस जगह पे एनरोल कर पाऊंगा एक बैच में जितने एनरोल कर सकूंगा फिर सेकंड बैच उसके बाद देखेंगे आ, तो उतनों को ही मैं टेस्ट चेक कर पाऊंगा और उतनों के मैं एनरोल करूंगा ठीक हो गया जी जल्दी से अब एंडिंग करते हैं इस लेक्चर की कुछ और टिप्स है।, रीड, रीड, रीड रीड है जी पढ़े जितनी रीडिंग करेंगे इनपुट होगा जितनी रीडिंग कर सकते हैं और रीडिंग करते हैं के साथ आप एक डिक्शनरी इंस्टॉल करनी है अक्सर लोग लैपटॉप पर पढ़ रहे होते हैं मोबाइल पर पढ़ रहे हैं। तो आप अपने लैपटॉप मोबाइल पर डिक्शनरी इंस्टॉल करें एक बहुत अच्छी डिक्शनरी है वर्ड वेब मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं तो ये वर्ड वेब जो डिक्शनरी है ना इसको आपने सिर्फ कंट्रोल में एम दबाया देखो डिक्शनरी खुल गई मैंने किसी लफज का मीनिंग देखना है मैंने हाई का मीनिंग देखना है मैं एंटर किया आ गया तो देखो पढ़ते पढ़ते ही आपको मीनिंग आ गया और इसमें एक और फैसिलिटी भी है इसमें अगर आप हॉट की लगा दें उस हॉट की से उस लफज पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो वो हॉट की दबाएंगे तो आपकी डिक्शनरी खुद ब खुद खुल जाएगी आपको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा वर्ड वेब इंस्टॉल करें इसमें हॉट की का ऑप्शन आएगा आपको ऊपर ऑप्शंस में वहां से आप आपकी हॉट की सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कंट्रोल एम लेना है कंट्रोल एन लेना है जो भी आपने बटन आपने सेलेक्ट करना वो आपने कर लेना है देन आते हैं प्रैक्टिस ये yes, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते देखो वर्ड आपको नया मिल गया ना एक वोबरी अपनी ना नोटबुक बनाए उसमें नोट किया करें ये लफ्ज़ नया है उसका जुमला बना लिया और खुद जुमला जब बनाएंगे ना जुमला की, की वायरिंग वही सेव होकर रह जाएगा वो जुमला साथ जुड़ जाएगा प्रैक्टिस जरूर करें और उन लफ्जों को अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज करने की भी कोशिश करें एसोसिएशन बनाए जी लफ्जों की जैसे ये वर्ड है आपके दरमियान में रेड नजर आ रहा गर गेंटून मतलब बहुत बड़ा गॉड बहुत बड़ा होता है तो गर्गेंटुअन को गॉड जिला से जोड़ दे साउंड मिलती जुलती है जी जब जोड़ देंगे जब कभी गर्गेंटुअन आएगा ना आपके जहन में भी किया जाता है तो आपके साथ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एड कर लेती है जी, आपको रेड लिखा नजर आ रहा है आप इसको निमोनिक खुद मजीदी जो मर्जी बनाया चाहते है एगरीचस अब आपको एग्रीचस 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 होता है बहुत बुरा और बहुत बुरे को लोग अंडे मारने को दिल करता है कि इसको गंदे अंडे मारो तो एग रीचस निमोनिक बन गई जब कभी एग रीचस आएगा आपके जहन में आएगा एग रीचस जो लफस है ना गो जी ओ एल और जी ओ एल ये मुझे एफ एस सी में बड़े कंफ्यूज करते थे जब टू थाउजेंड में एफ एस सी में पढ़ रहा था आज से कोई अठारह बीस साल पहले की बात है तो बच्चा पार्टी में जो गोल याद नहीं हो रहा था कौन सा गोल है कौन सा जेल है तो मैंने क्या किया जी के आगे जो ओ है ना उस पर निशानी रख ली कि जी के आगे ओ है तो वो गोल है क्योंकि ओ खुद गोल है और जी के आगे ए है तो ए गोल नहीं है थोड़ा सा ओवल शेप्ड है तो लो जी ये गोल नहीं है जेल है जिसके आगे ओ है कर लेना कि भी ना। वो, स्पेलिंग से करें, वो उसकी प्रोनासी से कर लेकिन जोड़ लें वो वाक्य जोड़ लेंगे जब लफज आएगा वाक्य खुद ब खुद याद आ जाएगा देन प्ले वि के साथ आप जो है पांच लफज जो है उनको मिक्स करें और देन देखें कि मुझे किस लफ्ज का मीनिंग आता है और किसी को कह लो जी ये पांच वर्ड है मुझे पूछ के दिखाओ खेले लफ्जों के साथ गेमिंग होती है स्क्रेबल गेमल गेम, गेम वगैरह क्विजिंग गेम्स होती है वो ले और वो लेकर खेले आजकल आपको पता है कार्ड्स आते हैं फ्लैश कार्ड वो फ्लैश कार्ड ले आपकी विकैबरी बड़ी इंप्रूव होगी उसमें विकैबरी होती है वो पत्तों वगैरह के साथ खेले देन टैकल टेक विकैबरी टेस्ट विकैबरी टेस्ट लेते रहेंगे जो आपके पास वैकैबरी लिस्ट है आपको लिस्ट भी आज गूगल क्लासरूम में आ जाएगी रजिस्टर स्टूडेंट्स को बल्कि आज मैं चलो सबको दे देता हूँ शुरू शुरू की क्लासेस हैं सारा मटेरियल शुरू में फ्री देता रहता हूँ आप जो होता है ना ये आ, व, आ, क्या नाम लेते हैं टेस्ट उसको कैसे लें कि उसके ऊपर हाथ रख लें वैकेबली के ऊपर मीनिंग के ऊपर और देखें कि मुझे आता है कि नहीं किसी और को कहे मुझे दस सुनने देखते मेरे कितने मार्क्स आते हैं टेस्ट लें इससे आपका दिमाग पर जोर देना पड़ेगा अच्छा क्या है, मीनिंग क्या है मीनिंग क्या है मीनिंग और वो लफ्ज याद हो जाएगा देन इंप्रूव यम्प्रूव करें जी आ, मतलब लफ्जों का जो है देखें कि किस कॉन्टेक्ट में यूज होना चाहिए इस वर्ड को नेगेटिव है तो नेगेटिव कब यूज है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कब है और ये तभी है जब आप लफ्जों को यूज करना शुरू करेंगे जब तक लफ्जों का मीनिंग नहीं आता आप उनका कॉन्टेक्ट स्किल भी इंप्रूव नहीं कर सकते और स्किल इंप्रूव कर ली कि किस वक्त इस लफ्ज को यूज करना है देखो आपने किसी को कहना ही डाइड के बजाय बेटर कहीं वे यूज करें अच्छा लगता है कि वो मर गया के बजाय वो इस दुनिया से कूच कर गया पर्दा फरमा गया नेक्स्ट जी यूज डिक्ष्णी। डिक्ष्णी यूज करें मैं मैट्रिक में था तो मुझे पोजीशन पर डीसीओ जो मेरे सिटी का था से मुझे एक डिक्शनरी मिली थी जी शहबाज साहब थे सईय शहबाज साहब तो उन्होंने जो भी पोजीशन होल्डर थे उस वक्त बोर्ड के उड़ा जिला में थे दिन का ताल्लुक था उनको डिक्शनरी दी थी तो मेरे पास वो डिक्शनरी थी मैट्रिक में मैंने तभी से वो डिक्शनरी यूज करनी शुरू कर दी थी तभी से उसके ऊपर लेड पेंसिल से अपने नोट से लिखना शुरू कर दी थे जो मैं एडिशन कर रहा होता था और मेरी वोकैबुलरी इंप्रूव होती चली गई डिक्शनरी आप अब से यूज करना शुरू कर दें आजकल तो क्लास टू का बच्चा जो है आज के जो टॉप स्कूल है उन्होंने के के लाजम रखी होती है कि बेटा अपनी है और उसको अपनी वैकैबरी नोटबुक में लिखना है तो आप भी अपनी वैकैबरी नोटबुक बनाए जो डिफिकल्ट वर्ड बड़े उसको डिक्शनरी से देखें वकेबरी नोटबुक में लिखे उसका एक जुमला बना ली जुमला बनाने से याद है उसके कोई निमोनिक बना ली फिर उसको बार बार टेस्ट लेते रहे अखबार पढ़ते रहे अखबार से आपको बहुत सारी वकेबरी एड होगी ठीक हो गया जी तो बच्चा पार्टी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जी है देखो जेनरिक को सोचें किससे मैरी जैन, जैन तो 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 खुशी, खुशी को कहते हैं ना ड्रिंक एम वाला जो होता है वो शादी होता है वाला खुशी होता है तो जोबीएल ज्वाय खुश होता है जी मैरी तो देखो लफ्जों के साउंड से भी आप उनके परिक्सिस तोड़ सकते हैं कि जोबीएल में जॉय की साउंड है जी खराब करना

तो कम करीब होना होता है जी जो कॉम होता है मिजर, मिजरेट जो जो मिजरेबल हो है है वर्ब का पता देता है, तो कमिजरेट किसी की मिजरी में उसके पास आना हमदर्दी करना बच्चे सिंपथाइज करना मिजरेबल को पता है ना वो मिजरेबल बड़ी कंडीशन में कम जो होता है साथ जुड़ने के करीब के मीनिंग में कॉम जब आता है ये प्रीफिक्स है प्रीफिक्सिस में देखेंगे आपके प्रीफिक्स का लेक्चर भी आपको आ जाएगा लेकिन आप खुद भी पढ़िएगा और एट वर्ब होता है मैंने कहा था प्रीफिक्स जो लाके होते हैं

मैंने आपको जो कंप्लीट डिस्कशन थी वो आपसे कर ली अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है टाइम एंड होने से पहले पहले तो आप